इंसानों के दुनिया से दूर और वीरान इस जंगल में सिर्फ जानवरों का ही बसेरा होता है, जहां हर एक छोटे से बड़े जानवर को अपने जिंदगी जीने के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। जी हां, और हम बात कर रहे हैं अमेज़न के रहस्यमय जंगल के बारे में, जहां पर छोटे से बड़े जीव का आतंक हमेशा मचा रहता है। दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल में आज भी कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमेशा रहस्य ही बनकर रह चुके हैं। ये अमेज़न जंगल आज भी वैसा ही है जैसा कई हजारों साल पहले था। आज भी इस अमेज़न जंगल में पेड़ पौधे ऐसे ही उग रहे हैं। लगातार हजारों सालों से ये प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है। और इस अमेज़न की जंगल में एक अमेज़न की नदी भी पाई जाती है, जहां पर रहने वाले क्रिएचर्स कुछ इस तरह सर्वाइव करते हैं जो कि किसी के ऊपर भी डिपेंड रहना मंजूर नहीं करते और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं जस्ट अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ही। इसी के साथ अमेज़न के इस जंगल में 20% तक ऑक्सीजन मिलती है, और यही कारण है इस जंगल को सिर्फ पौधों के लिए ही इम्पोर्टेंस नहीं मानी जाती, इस जंगल की इम्पोर्टेंस मानी जाती है इसके अंदर अमेज़न की रिवर से, जिसे कि रिवर ऑफ लाइफलाइन भी बताया जाता है। और यही रिवर है जो अमेज़न के जंगलों में 100 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इस रिवर को दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी कहा गया है। अब बात करते हैं अमेज़न नदी के बारे में। तो अमेज़न नदी के साथ, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि अमेज़न नदी के अंदर कुछ ऐसे जायंट क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो कि आम जंगलों में देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेज़न के इस जंगल में इतने ह्यूज क्रिएचर्स को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले एनाकोंडा की, एनाकोंडा को ज्यादातर हमने हॉलीवुड मूवीज में ही देखा है, और ऐसे अगर हम इसकी बात करें आकार की, तो इतने बड़े आकार का ये क्रिएचर 1 मिनट में किसी भी इंसान या फिर जानवर को निगलने की क्षमता इसलिए भी रखता है क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी पर शिकार या फिर हमला करने से पहले झिझकता नहीं है। अमेज़न के इस नदी में ना और भी कई तरह के अनोखे जीव पाए जाते हैं। उनमें से अगर दूसरे नंबर पे बात करूं तो वो आती है इलेक्ट्रिक ईल। इस नदी में पाए जाने वाली एक ऐसी खतरनाक मछली जो कि अडल्ट मछलियों की अगर हम बात करें तो 20 वोल्ट का झटका देने के लिए, करंट देने के लिए ये मछली काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी है, क्योंकि ये जानती है कि अपने शिकार को कैसे अपने वश में करना है, और यही वजह है कि ये अपने करंट का इस्तेमाल करके अपने शिकार को आसानी से जकड़ लेती है। लेकिन अमेज़न के इस जंगल में कभी भी किसी छोटे जीव को छोटा समझ कर अंडर एस्टिमेट कभी ना करना, क्योंकि इस जंगल में एक और ऐसा जीव पाया जाता है जो कि अमेज़न की नदी में ही होता है, जिसका नाम है पॉइजनस डार्क फ्रॉग। अब पॉइजनस डार्क फ्रॉग इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा जहर होगा, और जहर की अगर हम बात करें तो इसका नाम एक वजह से और भी पड़ा है क्योंकि ये अपने खाने में अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स खाते हैं, और इतने ज्यादा इंसेक्ट्स खाने की वजह से ही इसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा जहर इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से इसे अब पॉइजनस डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। अमेज़न के इस रहस्यमय जंगल में अमेज़न नदी में और भी क्रिएचर्स पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक आता है पिराना। पिराना को अक्सर आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, लेकिन वहां हॉलीवुड मूवीज में काफी ह्यूज क्रिएचर की तरह दिखाते हैं, लेकिन असल में अमेज़न के इस नदी में ये काफी बड़ी तो नहीं होती, लेकिन छोटे साइज की मछली ही एक दूसरे पर वार करने के लिए काफी ज्यादा सूक्ष्म होती है, और इन्हें सबसे ज्यादा डेंजरस बनाते हैं इनके नोकीले दांत। कभी कभार ये अपने शार्प टीथ से दूसरे मछलियों पर अटैक करती है, और यही वजह है इसे सबसे खतरनाक मछलियों में से एक माना गया है। कई कंट्रीज में तो इसे खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन अमेज़न के इस नदी में सबसे ज्यादा खतरनाक जीवों में से एक है पिराना। अब बात करते हैं अमेज़न नदी में एक और जायंट क्रिएचर के बारे में। तो ये तो आपने सुना होगा बुल शार्क, जो कि अपने नाम से ही ये स्पष्ट करता है कि बुल की तरह अटैक करता होगा, और यही वजह है कि ये अपने एग्रेसिव नेचर से पहचाने जाते हैं, क्योंकि जो बुल शार्क होती है वो अपने से छोटी मछलियों को तो खाना पसंद करती है, लेकिन कभी कभार इन्हें डॉल्फिन को खाते हुए भी देखा गया है। अगर इनके साइज के बारे में बात करें तो 10 से 12 फीट के साइज की ये होती है, और बुल के नाम से जानने वाली ये शार्क अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से इसलिए भी ज्यादा एग्रेशन दिखाती है क्योंकि जब
भी ये उस अमेज़न नदी के अंदर किसी तैराक को देखती हैं तो उस पर भी हमला करने के लिए बिल्कुल नहीं झिझकती। और यही वजह है कि इसको बुल शार्क के नाम से जाना गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाती है। और ये तो थी कि अमेज़न नदी का सबसे अनोखा रूप जिसमें पाए जाने वाले सबसे ज्यादा रहस्यमय और जायंट क्रिएचर्स। ऐसे ही और भी रहस्यमय बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।